हाय फ्रेंड्स, आप सभी को नवरात्र के दूसरे दिन का बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। तो मैं कुछ जूस, लस्सी और मिल्क शेक जो है आप लोग के लिए मैं बनाई हूँ कि आप लोग इसको बनाएं और अच्छे से व्रत का पालन करें। ये उनके लिए भी है जो व्रत में नमक नहीं लेना चाहते हैं कि पूरा ही ये बगैर नमक का ही व्रत में रहेंगे 9 दिन, तो उनके लिए है कंप्लीट जो डाइट आप कह सकते हो। ये सारे जो जूस है जब ये कंप्लीट जो है डाइट है। तो मैं आपको बारी बारी से बता दे रही हूँ। ये एक लस्सी जो है, ये लस्सी, ये रूह अफ़ज़ा लस्सी है, ठीक है, दही है। और ये जो है ये सिंपल दही लस्सी, इसमें कोई नमक नहीं। ये बना के मैं रख देती हूँ। इसमें मैंने कोई भी काला नमक मैं इसमें व्रत में नहीं लेती हूँ, तो इसमें कोई नमक नहीं है। ये जो है सिंपल जूस है। ये एक मिक्स फ्रूट है। मिक्स फ्रूट जो इसमें है ऑरेंज है, मतलब संतरा, और थोड़ा अंगूर है, और थोड़ा सा वाटरमेलन है। इस तरीके से जो है आप बना के फ्रिज में रख दीजिए और आराम से आप व्रत का एंजॉय करिए, कोई टेंशन नहीं। और आपके लिए ये हेल्दी है और आपको कुछ भी जैसे कमजोरी, वैसे माता रानी की उसमें कमजोरी कुछ भी नहीं आता। तो ये देखिए आप लोग के लिए मैंने एक, कैसा लगा आप लोग बताइएगा, इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए प्लीज़। इस तरीके से मैंने फ्रिज में सारा रख दिया है। और ये जो वाटरमेलन जूस है, दोनों, ये जो कैप लगा है ऊपर में, लिड लगा है, और एक में ये प्लेन लस्सी, एक में स्ट्रॉबेरी, अरे सॉरी, रूह अफ़ज़ा लस्सी है, और एक में जो है शाही शेक है। शाही शेक में मैंने बनाना लिया एक पेड़ा और इलायची एक, और इस तरीके से, वैसे शहद डालता है तो